हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम एक अलग तरीके से गेहूं के आटे की नमकीन कैसे बनाई जाती है वो बताते हैं। अक्सर आपने सभी चीजों की नमकीन बनाई है पर आटे की नमकीन शायद आपने नहीं बनाई होगी, पर आज आपको हम आटे की नमकीन और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी होंगी, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होंगी, बहुत ही ज्यादा चटपटी होंगी, तो वो बना बताते हैं। और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कैसे बनाना है। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटे की नमकीन बनाने के लिए मैंने एक पाव आटा लिया है। तो नमकीन बनाने के लिए मैंने सबसे बड़ा बाउल लिया है। तो बाउल में हमें सबसे पहले आटे को डालना है और आटे में हमें 2 चम्मच बेसन डालना है और आटे और बेसन को हमें अच्छे से एक बार मिक्स करते रहना है। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हमें इसमें मसाले डालना है। तो ये मैंने अजवाइन लिए, तो अजवाइन को हमें कैसे डालना है, हथेली पे लेके इस तरीके से, और इसको दोनों हथेलियों पे इस तरीके से मसल के डालेंगे। इससे हमारी जो नमकीन का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और इसको भी अच्छे से मिक्स करते रहना है इस तरीके से। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, आपको जितना खाना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप नमक इसमें डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच हमें मिर्च पाउडर डालना है, तीखी वाली है, आपको जितना तीखा पसंद आए उतना आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, 1 चम्मच चाट मसाला डालते हैं। तो इन सभी को अच्छे से एक बार मिक्स करते रहना है इस तरीके से। अगर आपको इसमें और भी कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो अच्छे से सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हमें इसमें ऑयल डालना है। इसमें हमें घी का यूज नहीं करना है। तो हमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऑयल लिया, इससे जो हमारी नमकीन बनेंगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, बहुत ही कुरकुरी सॉफ्ट बनेंगी। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये बैटर हमारा इस तरीके से देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। तो आइए, मैंने 1 कटोरी पानी लिया, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ में हमें पानी नहीं डालना है इसमें। तो बैटर देख सकते हैं, हमें इस टाइप का बैटर चाहिए, इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है बैटर को, इतना टाइट हमें बैटर चाहिए नमकीन बनाने के लिए। तो आप इसको हमें 10 मिनट के लिए रखेंगे, तो इसको 10 मिनट के लिए रखना है। और नमकीन बनाना हमें आपको दो तरीके से बताएंगे, एक तो हाथ से बनाना और एक मशीन की सहायता से बनाना, जो स्टैंड होता है नमकीन बनाने का। तो ये मैंने स्टैंड लिया है मशीन नमकीन बनाने का, तो इससे बनाएंगे एक, और एक हम हाथ से बनाएंगे। तो अगर आपके पास में ये वाला स्टैंड नहीं है, नमकीन बनाने का सांचा नहीं है, तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। और ये मैंने बारीक वाला लिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, ये जो मैंने सांचा लिया है इस पर हमें ऑयल लगाना है इस तरीके से। और जो इसके अंदर है इस पर भी हमें ऑयल लगाना है, इस पर भी हमें ऑयल का यूज करना है। जो हम इसमें डायरेक्ट बेसन का पेस्ट डालेंगे तो हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं चिपके, इसलिए हमें इसका यूज करना है इस तरीके से। इसके अंदर की साइड से भी लगा लेंगे अच्छे से। और हाथों की मदद से ही हमें पेस्ट को डालना है, क्योंकि हमारा जो पेस्ट है वो चिपकेगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं हमारे पेस्ट को, तो एक बार हमें पेस्ट को भी देख लेना है। तो मैंने हाथों लगाया है, तेल लगाया है, तो इससे जो हमारा पेस्ट है वो चिपकेगा नहीं, इसलिए हमें इसका यूज करना है। तो ये देख सकते हैं, इसकी मदद से हमें इसमें डालना है इस तरीके से।
इसको भर लिया है, डंडी हमें ऊपर करनी है इस तरीके से घुमा के, और इसको अच्छे से भर लिया है मैंने। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो ये मैंने कढ़ाई में पहले से ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब हमें दबाना इसको कैसे है। तो ये मैंने स्टैंड लिया है, देख सकते हैं, तो इसको हमें दबाना है बिल्कुल हल्के हाथों से, हमें दबाना है इसको। अब इसको हमें जल्दी से पलटना है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है। इसको निकाल लेते हैं और दूसरा वाला हम हाथ से बनाएंगे। तो ये मैंने कद्दूकस करने का लिया है, तो इस पे भी हमें सबसे पहले घी लगाना है, ऑयल लगाना है। घी लगा सकते हैं आप, जो भी आपके पास में वो लगा सकते हैं। और इतना मैंने पेस्ट इस पे रखा है, इस तरीके से हमें दबाना है इस तरीके से। तो ये मैंने हाथ से भी निकाल लिए, तो हाथ से भी आप बना सकते हैं। और ये मैंने बारीक वाला जार लिया है, तो ये भी हमारी सीख चुकी, इनको भी निकालते हैं। तो देख सकते हैं इनको हमें बिल्कुल कम गैस पे सेकना है, ताकि अच्छे से कुरकुरी सीख सके। इनको भी निकाल लेते हैं। ये नमकीन देख सकते हैं हमारी बन चुकी है, कितनी कुरकुरी बनी है देख सकते हैं, कितनी क्रिस्पी है नमकीन। तो मैंने मोटी भी बनाई है और थोड़ी पतली बनाई है, तो इनको हमें तोड़ लेना है, बारीक कर लेना है, बारीक कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों ही नमकीन बनके तैयार हो गई हैं। तो ये मैंने थोड़ी मोटी साइज़ की बनाई है और ये थोड़ी मैंने बारीक वाली बनाई है, देख सकते हैं। तो हमारी सिंपल तरीके से नमकीन बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी, कितनी कुरकुरी बनी है नमकीन। तो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।